राधे राधे फ्रेंड्स, आई एम तनिषा बट्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। गाइस, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी जल्दी 1K करा दी। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग मुझे हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करेंगे। आज मेरी 1K की फैमिली हुआ है, बहुत जल्दी ही 1 लाख वाली फैमिली के साथ बात करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ आप हमेशा मुझे ऐसे ही सपोर्ट करेंगे। गाइस, आप जो भी कमेंट करते हो मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ आपके, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मेरे लिए प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो। उन सबके लिए थैंक यू सो मच। गाइस, मेरा एक और अदर यूट्यूब चैनल है, मैं उस पर रेगुलर वीडियोस डालती हूँ। उस पर मेरी शॉर्ट वीडियोस नहीं होती, उस पर नॉर्मली लॉन्ग वीडियोस होती है, तो आप उसको भी जाके सब्सक्राइब करो और जल्दी से उसमें भी 1K कराने में मुझे सपोर्ट करो। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो एंड मुझे अपने पोस्ट में, रील्स में टैग करो। मैं भी आपके रील्स को लाइक करूंगी, कमेंट करूंगी प्यारे प्यारे। तो भूलना मत मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मेरी इतनी प्यारी यूट्यूब फैमिली है, तो चलो उसके लिए एक अच्छी सी वीडियो बनाने के लिए तो मेरा बनता था ना। अभी विंटर्स आने वाले हैं, तो विंटर्स में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा रफ ड्राई हो जाती है। हम बहुत कन्फ्यूज रहते हैं कि हमें कौन सा मॉइस्चराइजर बाय करना चाहिए, कौन सा बॉडी लोशन बाय करना चाहिए या कौन सा बॉडी बटर ट्राई करना चाहिए। तो मैं सोचा कि अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए उसी के ऊपर वीडियो बना देती हूँ। गाइस, जो मैं आपके साथ प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ वो प्रोडक्ट्स कॉमन होंगे, उनको बोथ दोनों ही ट्राई कर सकते हो, गर्ल्स भी ट्राई कर सकती है, बॉयज भी ट्राई कर सकते हैं। एंड उन सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं, उनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, सारे स्किन टोन के लिए एकदम परफेक्ट प्रोडक्ट्स हैं। तो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं अपना फेवरेट प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, ये है एम कैफिन का चौको बॉडी बटर और स्किन टाइप्स, और 72 आवर्स से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। इसको बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही ट्राई कर सकते हैं। मैंने बताया था ना आपको वीडियो के स्टार्टिंग में, जो भी मैंने प्रोडक्ट लिया उनको बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही ट्राई कर सकते हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसको हमें बहुत ज्यादा क्रीमी सा इसका टेक्स्चर मिलता है, हमें इसकी ग्लास की बोतल में मिलता है। बहुत इसकी फ्रेगनेंस तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, एकदम कॉफ़ी जैसी फ्रेगनेंस आती है। जो कॉफ़ी लवर्स हैं उनके लिए तो ये भाई कुछ और ही चीज़ है। और इसको जब अप्लाई करते हैं हमारी स्किन के अंदर बिल्कुल बटर की तरह इजीली ऐसे ही एब्जॉर्ब हो जाती है। और इसको मैं डेली अप्लाई करती हूँ, क्योंकि कुछ मॉइस्चराइजर मैंने ऐसा देखा कि ऐसे होता है, ये देख सकते हो आप कितना शाइनी सा है इसमें। बहुत ज़्यादा इसको जब अप्लाई करते हैं ना, उसके बाद हमारी स्किन बहुत शाइन करनी शुरू हो जाती है। कुछ मॉइस्चराइजर ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है कि हमारी स्किन पे ऑयल सा छोड़ जाते हैं, हमारी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज भी नहीं करते और फटी फटी से हमारी स्किन रहती है। बट ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस, सीरियसली ऑनेस्टली रिव्यू मैं आपके साथ ट्राई शेयर करने वाली। जो प्रोडक्ट मैं खुद ट्राई कर लेती हूँ मैं हमेशा वो ही शेयर करती हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ। ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपको इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है, इससे ज़्यादा मतलब इतनी अच्छी चीज़ और इतने अफोर्डेबल प्राइस में मिले तो मस्ट बी ट्राई प्रोडक्ट है ये। सेकेंड है ये निव्या की मॉइस्चराइजर क्रीम, जो आप फेस पे, हैंड पे, बॉडी पे, सब पे अप्लाई कर सकते हो। जो मैंने पहले आपको शेयर करा था आप उसको फेस पे अप्लाई कर सकते हो, बट वो स्पेशली फेस के लिए नहीं है, बट आप इसको फेस पे भी ट्राई कर सकते हो। ये वाली जो क्रीम है मैं इसको हमेशा जब भी मेकअप करती हूँ मेकअप से पहले बेस में इसी को ट्राई करती हूँ। इसकी फ्रेगनेंस थोड़ी सी लाइट है, मतलब इसकी फ्रेगनेंस एकदम मीठी मीठी है, जैसी जैसी आपको चाहिए वैसी एकदम। और इसके वाइट कलर में एकदम लाइट वेटेड क्रीम है, और ये हमको मिलती है लाइट वेटेड मॉइस्चराइजर फेस, बॉडी एंड हैंड्स। और इसका प्राइस है, इसका प्राइस क्या है, इसका प्राइस है ओनली 399 रुपीज। आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है, मैं इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको। यार ये भी हमारी स्किन में बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है। जो हमारा मॉइस्चराइजर होता है वो हमें सबसे पहले तो हमारी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर दे एंड इजीली एब्जॉर्ब हो जाए, वो मॉइस्चराइजर एकदम बेस्ट होता है। क्योंकि अब किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि अपने हाथों को बहुत अच्छे से रब करते रहो, रब करते रहो, रब करते रहो, तो इतने में तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा देर में यहाँ पे निव्या का बॉडी लोशन आपको शेयर करने वाली हूँ। 48 आवर्स डीप मॉइस्चराइजर केयर है, कोकोनट
नरिश डीप मॉइस्चराइजर सीरम वेरी ड्राई स्किन, जिनकी बहुत 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 ज्यादा ड्राई स्किन होती है ये उनके लिए। इसकी मुझे सबसे ज्यादा, मेरी इतनी ज्यादा ड्राई स्किन तो नहीं है, बट हाँ मेरे को थोड़ा सा सर्दियों में पसंद है कि मैं थोड़ा इस टाइप का मॉइस्चराइजर अप्लाई करूँ, जैसे ये बहुत ज्यादा ड्राई स्किन टाइप के लिए, उससे हमारी बॉडी बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट हमें फील होती है, तो इसलिए मैं इसको ट्राई करती हूँ हमेशा विंटर्स में। इसको मैं समर्स में तो अप्लाई नहीं करती हूँ, जो अभी ये वाला सीजन है इसमें भी अप्लाई नहीं करती, जब बहुत बहुत ज्यादा ठंड स्टार्ट हो जाती है तभी मैं इसको अप्लाई करना शुरू करती हूँ। इसको भी एक एक बार मैं सबको आपके सामने अप्लाई करूँ, जिससे कि मेरे को भी उसकी फील आती रही कि प्रोडक्ट कैसा है, मैंने जब ट्राई करा था कैसा लग रहा था, अभी एकदम से तो माइंड में नहीं आता है। ये देखो मैंने इसको अप्लाई करा, ये मेरी स्किन के अंदर एकदम बटरी सॉफ्ट एब्सॉर्ब हो गया। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा मॉइस्चराइजर है गाइस, ये बॉयज़ गर्ल्स दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। ये इसकी जो फ्रेगनेंस है, इसकी फ्रेगनेंस एकदम मीठी मीठी, इसकी फ्रेगनेंस मुझे थोड़ी थोड़ी सी कोकोनट जैसी लगती है, कोकोनट से मेरा मतलब है गोले की जैसी, हल्की हल्की सी इसकी गोले जैसी फ्रेगनेंस है, बट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये भी। अगर आपको सर्दियों में ट्राई करना है तो मस्ट भी ट्राई प्रोडक्ट एकदम। जो भी प्रोडक्ट लिया है मैंने, टॉप वाले प्रोडक्ट लिए कि इनकी टक्कर में कोई भी प्रोडक्ट हो ही नहीं सकते। मैंने सबसे पहले एम कैफिन का प्रोडक्ट लिया क्योंकि उसको बॉयज भी बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं, निव्या का प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा बॉयज भी ट्राई करते हैं। फिर मैंने सेकेंड यहाँ पे लिया है वाउ का बॉडी लोशन, ये वाउ का उपटन बॉडी लोशन है, नो मिनरल्स ऑयल के साथ मिलता है आपको, इसमें एकदम उपटन जैसी स्मेल आती है। मुझे इसकी फ्रेगनेंस थोड़ी सी कम पसंद है, बट हाँ काम एकदम ये वाला है इसका, सीरियसली ये बहुत अच्छा वर्क करता है, हमारी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है, एकदम सॉफ्ट ग्लोइंग स्किन हमें मिल जाती है इसको लगाने के बाद में। जब मैं इसको अप्लाई करती हूँ तो मेरे को इस वजह इसकी फ्रेगनेंस बिल्कुल भी नहीं पसंद, बट वैसे बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है। जो उपटन वाली स्मेल होती है मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, जो थोड़ी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं ना जिनमें मीठी मीठी सी स्मेल आती है, मेरे को वो प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इसको भी अप्लाई करके देखती हूँ, बट आज तो इसकी स्मेल, क्योंकि मैंने और भी अभी आपके सामने बॉडी लोशन ट्राई करे थे उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है उसके साथ मिक्स होके, और ये भी हमारी स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा क्विकली इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये सारे प्रोडक्ट जब भी मैं बाय करती हूँ हमेशा डिस्काउंट एंड ऑफर्स पे बाय करती हूँ गाइस। अभी मैंने जितने भी प्रोडक्ट बाय करे थे मैंने अपने अदर यूट्यूब चैनल पे शेयर करा था, मैंने एक मंत्रा हॉल, तो मैंने सारे डिस्काउंट में बाय करे थे, इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैंने ये प्रोडक्ट जो आपके साथ शेयर कर दिए, ये तो हमारी बॉडी की बात होगी, अब हमारे फेस के लिए भी तो मॉइस्चराइज करने के लिए हमें प्रोडक्ट बाय करने होते हैं ना, तो थोड़ा सा कॉस्टली प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी अपना फेस पे अप्लाई नहीं करना है, आपको अलग से बाय करना है, तो उसके लिए ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी डॉट एंड की का मॉइस्चराइजर। ये डॉट एंड की का जो मॉइस्चराइजर है, सबसे पहले तो मुझे इसकी पैकिंग इतनी मस्त लगती है, इन्होंने एकदम स्नोमैन के जैसी के ऊपर कैप दिया, और ये इतना प्यारा सा इसका कैप हमें मिल जाता है, ये येलो कलर का, इसमें ऑरेंज फ्लेवर मैंने मंगाया हुआ था, और ये इसके ऊपर हमें ट्रांसपेरेंट एक कैप मिलती है, और इसकी फ्रेगनेंस एकदम ऐसा लगता है जैसे वो ऑरेंज वाली टॉफी आती थी ना बचपन में, सेम टू सेम उसकी जैसी इसकी फ्रेगनेंस है। और मैं इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको, एकदम जेल लाइक फॉर्मूला है, ये हमारे फेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है मॉइस्चराइजर है। अगर आपको अपने फेस के लिए कोई मॉइस्चराइजर सर्च कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा वन ऑफ द बेस्ट मॉइस्चराइजर मुझे लगता है। अब एक और मैं आपको बजट में शेयर करने वाली हूँ, और वो छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक का फेवरेट, और वो प्रोडक्ट अगर मैं अपनी लाइफ में यूज़ नहीं करूँ तो मेरे को लगता है मैंने कुछ भी अपनी लाइफ में यूज़ नहीं करा, जॉनसन बेबी क्रीम। अगर मैंने इसको अपनी लाइफ में यूज़ नहीं करती हूँ तो मेरे को बिल्कुल ऐसा लगता है मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी यूज़ नहीं करा, मैं इसको अपने हैंड क्रीम, अपनी फेस क्रीम, अपने फुट क्रीम सब कुछ बना रखा है, क्योंकि इसमें केमिकल्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं, और हमारे फेस को जो हमारा स्किन होती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, हमारे फेस की हमारी स्किन छोटे बच्चों की तरह ही सेंसिटिव होती है, इसीलिए मैं बेबी जॉनसन बेबी क्रीम को ही अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे हमेशा, मेरा विंटर्स या समर्स में हल्की सी क्वांटिटी कम अप्लाई करती हूँ, विंटर्स में थोड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा अप्लाई करती हूँ, हमेशा मैं अपने फेस पे जॉनसन बेबी क्रीम ही अप्लाई करती हूँ एज अ मॉइस्चराइजर।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड मुझे कमेंट भी करके जरूर बताना कि आप कौन सा मॉइस्चराइजर यूज करते हैं, आपका कौन सा मॉइस्चराइजर फेवरेट है ना, मत भूलना। ऐसे ही मुझे बहुत सारा प्यार करते रहो, सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच गाइस। राधे राधे।